नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। आज मैं आपको एक ऐसे सॉन्ग के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि इंडिपेंडेंट रिलीज हुआ है। किसी भी बड़े म्यूजिक लेबल के तहत इस गाने को रिलीज नहीं किया गया है, बट मैं 101% ये कहना चाहूंगा कि ये गाना बवाल मचाएगा। जी हाँ, आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस गाने का नाम है फितूर, जो कि आर रोमियो जी ने इसमें एक्टिंग भी करी है, परफॉर्मेंस भी दिया है और सिंगर भी हैं वो, म्यूजिक भी उन्होंने दिया और लिरिक्स भी उन्होंने ही लिखे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि इंडस्ट्री में एक उभरता हुआ चेहरा है जो है आर रोमियो, जिनका एक नया सॉन्ग आया है उन्हीं के ही चैनल आर रोमियो में। जी हाँ, आर रोमियो में नया गाना है फितूर, जिसे आप आर रोमियो ऑफिशियल वीडियो न्यू हिंदी सॉन्ग इस तरीके से सर्च मार के देख सकते हैं। दोस्तों, लेट मी टेल यू क्लियर थिंग अबाउट दिस सॉन्ग, दिस सॉन्ग गिव्स मी हॉलीवुड वाइब्स। जी हाँ, जिस तरीके से स्टाइलाइज वर्जन में इस गाने को शूट किया गया है वो लाजवाब है। गाने का एक स्टोरी लाइन जो है वो एकदम कॉमन है, प्यार और सेक्रीफाइस, सच्चा प्यार और एक तरफा प्यार, राइट। यहाँ पर एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की जो है वो एक बड़ी एक्ट्रेस है और लड़का जो है वो शायद ड्रग्स वग बेचता है, थोड़ा सा इस तरीके का काम करता है। गाने की लोकेशंस लाजवाब है, खूबसूरत हैं, गाने के बोल अच्छे हैं, डायरेक्शन तो बहुत सही लगा मुझे। और अगर बात की जाए एक्टिंग की तो मेन लीड में है आर रोमियो, उन्होंने अच्छा काम किया है। काम्या चौधरी ने भी अच्छा काम किया है। आर रोमियो की अगर मैं बात करूं तो उन्हें देखकर मुझे आयुष शर्मा की भी कहीं ना कहीं याद आ रही है, क्योंकि वैसी ही हल्की, जब वो लव यात्री में आए थे वैसी ही फिजीक, वैसा ही उनका वो हंसना, वो बालों का स्टाइल, वैसे ही लग रहा है। बट ओवर एंड ऑल गाने में टेक्निकल एस्पेक्ट पे बहुत रिच बनाया गया है और एंडिंग तो सच में दिल छू जाती है और हम पूछते हैं सवाल कि ऐसा क्यों, व्हाई हैव यू क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ सॉन्ग आर रोमियो, मैं भी जानना चाहता हूं। खैर, आप गाना देखिए, इंजॉय कीजिए और बड़ी बात है इंडिपेंडेंट चैनल होने के बावजूद जो है इस गाने ने 2 दिन के अंदर 56 लाख प्लस व्यूज कमा लिए हैं, विच इज इनक्रेडिबल एंड ह्यूज। सो कमेंट सेक्शन में गाना देखने के बाद जरूर बताइएगा कि आपको क्या है कहना। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।